24/7 लाइव पर शाम से इतनी सारी बातें कर रही हूँ, कोई तो आएगा जी, बिल्कुल आएगा। और जब वादा किया है तो हम निभाएंगे भी जरूर। अब आर्टिस्ट जो है ना, वो तो सिर्फ आर्ट का भूखा होता है, और मेरा तो मानना ये है दैट फॉलो एंड फॉलो। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्सियत आई हुई है सिंगापुर, यू विल नॉट बिलीव, ऑब्वियसली प्रवासी भारतीय दिवस 2018 के चक्कर में जो सिनेफेस्ट इंडिया की बात हो और बॉलीवुड की हम बात ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता, बट सिंगापुर इज रियली ऑनर्ड टू have three very very talented people from the Bollywood industry. और अभी मेरे साथ है हंसी का जो baggage है, please put your hands together for Satish Kaushik. Hello sir. Hi, how are you? I am very good. कैसा लगा हमारा सिंगापुर आपको सर, सबसे पहले बताइए। जबरदस्त। मैं तो सिंगापुर पहले भी आया हुआ हूँ और मैंने अपनी एक फिल्म वादा यहाँ पर 40 दिन की शूटिंग की हुई है। वाह। लेकिन तब के सिंगापुर में और अब के सिंगापुर में बहुत ज्यादा फर्क है। वाह। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट्स हो गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। तो बड़ा मजा आया, और स्पेशली भारतीय प्रवासी दिवस में यहाँ की गवर्नमेंट ने मदद की है। यहाँ के हाई कमिश्नर साहब हैं जो जावेद अशरफ साहब, बड़े कमाल के आदमी हैं, उन्होंने कितना जबरदस्त अरेंजमेंट किया। और फिर यहाँ पर दर्पण जो ग्रुप है श्रेयासी, उन्होंने सिनेफेस्ट किया यहाँ पर। कैसा रहा आपका मास्टर क्लास सिंगापुर के? हमेशा क्या होता है, जब भी आप अपना कहीं कुछ लाइव शेयर करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस भी कैसी है। और मेरी इस मास्टर क्लास में सबसे अच्छी बात यह थी कि जो हॉल था भरा हुआ था और लोग थे ना जो बहुत रिसेप्टिव थे, वो सतीश कौशिक को जानते थे, सतीश कौशिक की कुछ परत को देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। हम लोग यहाँ पे ज्यादा मिस करते हैं बॉलीवुड। आने वाली है अभी, अब अगले महीने मैंने एक फिल्म बनाई है बिलियन कलर स्टोरी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म अबाउट कलर्स, एंड इट इज डायरेक्टेड बाय ए वेरी यंग डेब्यूटेंट डायरेक्टर एन पद्म कुमार, वी कॉल हिम पैडी। तो पैडी ने बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है जो की अब तक 11 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी है, और अब मार्च में यहाँ पर हम फेस्टिवल भी लेके आएंगे यूनिवर्सिटी को। जावेद अशरफ साहब ने कहा कि उसको क्लोजिंग फिल्म रखेंगे, और श्रेयासी की कंपनी जो है उस फिल्म को एक्चुअली यहाँ पे थिएटर में रिलीज भी कर रही है। वाओ, मतलब यहाँ पे आगे की तैयारी फुल ऑन हो रखी है कि क्या होने वाला है सिंगापुर, एंड यू आर द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम सतीश जी को इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने देंगे। वी विल बी बैक, यू स्टे ट्यून्ड। सलामा आ गए फिर से करने हंगामा, बोरिंग लम्हों को करते गुलाबी, जश्न रुकने न देंगे जरा भी। अपना फेमस है याद आना, अपने संतों भी आ जाना, छोड़ दुनिया से शर्माना, जोरों जोरों से तो चिल्लाना। को को मान, को 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 मान, everything's gonna be cool। Go, 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 go,
You are listening to Radio Masti 24/7 live, Singapore's only Hindi radio, now on the go. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ आपके अंतरा आपके साथ सतीश जी, वेलकम बैक अगेन. एंड मैं ये पूछना चाहती थी कि जाने भी दो यारो, मतलब दैट इज द मोस्ट आइकॉनिक मूवी आई रिमेम्बर, वो जो अशोक बुलाते हैं, वहां से अब तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, जबरदस्त सफर रहा, बिकॉज जिसकी उम्मीद नहीं थी वो आपको मिल जाए तो फिर तो सफर वो जबरदस्त होता ही होता है. जी. सपना था कि फिल्म इंडस्ट्री में आना है, एक्टर बनना है, लेकिन इतना कुछ फिल्म इंडस्ट्री से मिल जाएगा इसका तो अंदाजा नहीं था. असल में मैं एक अकेला ऐसा आदमी हूँ, बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो मैं एक्टिंग कर चुका हूँ, डायरेक्शन कर चुका हूँ, प्रोडक्शन कर चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका हूँ, टेलीविजन कर चुका हूँ, थिएटर कर चुका हूँ, सब. अब तो मैं एक्चुअली तुम्हारे कॉम्पिटिशन में भी आऊँ, मैं रेडियो आरजे भी हूँ असल में. मेरी नौकरी भी लेना चाहते. नहीं, मेरा शो है फिल्मी कैलेंडर शो, राइटिंग कर ली, अब गाने भी लिख लिए, सिर्फ एक सिंगिंग नहीं की. मेरे को ऐसा लगता है अब ये बाकी है, क्या नेक्स्ट हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं? वो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो सक्सेस हो नहीं सकती, बिकॉज सुर का तो मुझे अपना अंदाजा है डेफिनेटली, यू नो. बट ये एक्टिंग का कीड़ा सर आपको काटा कब इसने? देखिए, इसके काटे का तो पता नहीं चलता कब काटता है ये. ह्यूमन रेस में कभी कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो कभी एक्टिंग के बारे में सोचेगा नहीं, जो ये नहीं सोचेगा कि मुझे परफॉर्मिंग आर्ट में आ रहा है, मेरे को यार स्क्रीन के पर्दे पर एक बार तो आना यार. राइट. सबके पास अपनी कहानी होती है यार, मेरी कहानी सुन यार, मेरी कहानी पे कमाल पिक्चर बन सकती है. बट नॉट एवरीवन कैन मेक इट, वी कैन मेक इट, यू नो, डेफिनेटली सबका सपना तो होता है. ऐसे मैं भी उस भीड़ में था, लेकिन कहीं मैं शायद अलग हो गया. मैं कॉलेज में जब प्लेज वगैरह करता था, मेरे अवार्ड्स मिले, तो मेरे एक टीचर ने एक्चुअली मुझे पुश किया कि मैं प्रोफेशनल एक्टर बनूं. प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास, उन्होंने मुझे पास कर रहा था दैट यू मस्ट बिकम ए प्रोफेशनल एक्टर, गो टू मूवीज, गो टू दिस थिंग. मैंने कहा सर पर मेरी तो शक्ल सूरत है नहीं, मैं मूवीज में कैसे जाऊंगा, समझे, नहीं तो शौक है यहाँ पर. तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि सतीश, व्हेन आई सी यू परफॉर्मिंग ऑन स्टेज आई थिंक यू आर द अल्टीमेट गुड लुकिंग पर्सन फॉर मी, यू नो. वाओ. उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम तक नहीं सुना था, उन्होंने मुझे उसमें एडमिशन दिलाया और वहां से मेरी लाइफ जो है बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था वो. लेकिन क्या पता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपको बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने को मिलेंगी, आपको वेस्टर्न ड्रामा, यूरोपियन ड्रामा, संस्कृत ड्रामा, यू विल बी एक्सपोज टू स्टैनिस्लावस्की, ब्रेख्त. एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से देन ए सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग एक्टर वेंट इनसाइड मी कि मेरे को एक्चुअली ये काम यही करना है, इसी को फॉलो करना है. वाओ, सो दैट वाज क्वाइट इंस्पिरेशनल. सिंगापुर अभी भी हमारे पास कुछ वक्त और है सतीश जी से, और भी बातें करेंगे. विल टॉक अबाउट सक्सेस एंड फेलियर्स, विल ऑल्सो टॉक अबाउट कॉमेडी इन ऑल. तो इसलिए फिलहाल ये अमेजिंग सा गाना आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ के जाती हूँ, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव. Ready? Let's go. You can make it better, yeah.
स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। करेंगे सबका स्वागत। Y'all ready to bring the riff back? स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। You are listening to Radio Masti 24/7 live, Singapore's only Hindi radio. Now on the go. Radio Masti 24/7 live par Antra is in conversation with the Satish Kaushik and jaisa ki maine aapse kaha tha ki Satish ji, आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में कॉमेडी किस तरफ जा रही है, क्योंकि कॉमेडी और आप दोनों काफी अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक, वेयर इज इट गोइंग राइट नाउ? देखिए, दो पहलू हमेशा रहे हैं असल में, अच्छी कॉमेडी और थोड़ी सी डिस्टेस्टफुल कॉमेडी, ये हमेशा चलती आई है, लेकिन अच्छी कॉमेडी का स्तर जो है ना काफी बड़ा है। एक हमारी मेन स्ट्रीम कॉमेडीज होती है, जैसे डेविड धवन की पिक्चर में जो बड़ी क्लीन होती है, आज भी उस सिनेमा को याद किया जाता है, मैं तो उसका बड़ा हिस्सा रहा हूँ। मैंने डेविड के साथ कम से कम 16 से 17 फिल्में की हैं, और वो चाहे पप्पू पेजर हो या वो मुत्तू स्वामी हो या वो शराफत अली हो या वो जर्मन हो या वो एयरपोर्ट हो, कितने हमने किरदार क्रिएट किए हैं, तो दे आर आइकॉनिक कैरेक्टर्स। तो उस तरह की कॉमेडी में मैं बहुत विश्वास करता हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि कॉमेडी में अगर कोई वो आया तो जो कि इंटेलिजेंट कॉमेडी है, आई रिस्पेक्ट राजकुमार हिरानी फॉर दैट ही मिक्सेस कॉमेडी विद ए सोशल कमेंट एंड विच मेक्स ए वेरी बिग मार्क। मैं सिर्फ कॉमेडी वो पसंद करता हूँ और जो वो मेरे को अच्छी वो लगती है, जो कि मेरे को लगता है कि अपने आप पे हंसना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दूसरे के ऊपर और दूसरे की किसी खामी के ऊपर वो मेरे को ह्यूमर जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं लगता है, जो कि एक्चुअली हमारे आजकल दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे का मजाक उड़ाना या उसमें कुछ वल्गैरिटी लेके आना। हमने भी दयारू की है, हमने मिस्टर इंडिया की है, हमने डेविड धवन की पिक्चरें की है, हमने फिलिप्स टॉप 10 प्रोग्राम किया है, या हमने कभी नाटक किए हैं, बिच्छू जैसा मॉलियर का प्ले किया है। हम नीट एंड क्लीन कॉमेडी जिसे बोलते हैं आप, हमको क्यों पसंद करते हैं कि हमने हमेशा वो कॉमेडी की है जो कि वो, और वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और कैरेक्टर ओरिएंटेड ज्यादा होती है। किसी की धोती खुल दी और उसके ऊपर आपको हंसी आ गई है, कोई केले के छिलके पे फिसल गया था उसके ऊपर हंसी आ गई। मैं तो कई बार पिक्चरें छोड़ दी है मैंने, तो असल में इसीलिए आपने राजा बाबू छोड़ी थी? नहीं, राजा बाबू मैंने वाकई में मैंने पिक्चर छोड़ी इसी वजह से, क्योंकि मेरा था, मेरी क्या ताजा पिक्चर फ्लॉप हुई थी रूप की रानी चोरों का राजा, उसके बाद मेरे को डेविड ने ये राजा बाबू पिक्चर दी, तो राजा बाबू का फोटो शूट था और फोटो शूट में मेरे को धारीदार कच्छा और नाड़ा लटक रहा है और वो चैपलिन मुझे अजीब सी विग है ना, ऐसा विग था, तो मैंने कहा डेविड मैं ये रोल नहीं कर पाऊंगा, मेन रोल था, मेजर रोल, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने बेशक पिक्चर मेरी नहीं चली है लेकिन मैंने पिक्चर बड़ी ग्रैंड बनाई है, बहुत बड़ी पिक्चर बनाई, तो लोगों का कहीं विश्वास खत्म ना हो जाए कि ये सतीश खुद ही अपना विश्वास खो चुका अपने आप में अगर मैं इस तरह के रोल करूंगा। पर डेविड वॉज सो हेल्पफुल, उसने कहा अच्छा मैं दो पिक्चरें बना रहा हूँ तो ऐसा करता हूँ मैं साजन चले ससुराल में शक्ति कपूर को ले रहा हूँ, उसको इधर लेता हूँ और तेरे को उधर डालता हूँ, तो बेसिकली और वो साउथ इंडियन का रोल था। मैंने कहा मैं महमूद का बहुत बड़ा फैन हूँ, पड़ोसन मैंने कितनी बार देखी होगी, मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। एंड कमाल की बात है कि शक्ति कपूर को उसमें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और साजन चले ससुराल में आपको मिल गया था, मतलब डेस्टिनी इसे कहते हैं कि शायद ये दोनों फिल्म्स आप ही लोगों के लिए बनी हुई थी, दैट्स व्हाई दैट हैपेंड, सो अप हैपेंड, वाओ, सो दैट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ऐसी ही कुछ और कहानियां लेके हम वापस आते हैं, तब तक आप कहानियों के गाने सुनिए ओनली ऑन रेडियो बस्ती 24/7 लाइव। मैं
के होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए, जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। तूने की दे वफाई, तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई, तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई। टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए, टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। Listening to Radio Masti 24/7 live, Singapore's only Hindi radio. Now on the go. Radio Masti 24/7 live par this is Anthra with you. I'm in conversation with a great actor, director. Itni sari cheeze hain ki agar main naam le to aadha link usi mein khatam ho jayega. Khud hi keh rahe hain ki ab to wo RJ bhi hai, to matlab meko to thoda sa sambhal ke hi rehna padega inse. Ab bhari bharkam competition yeh mere samne hai. But Satish ji, I want to know something. Aapne bhi failures dekhe hue hain, then how did you overcome? There are a lot of aspiring actors in Singapore as well. Main ye kehna chahunga ki jaise ki success hoti hai, aise hi failure hota hai ji. बल्कि फेलियर को झेलना जो होता है ना, वो आपको ज़्यादा पावर देता है। तो मुझे लगता है सक्सेस और फेलियर इट इज़ द सेम साइड ऑफ ए कॉइन, यू नो इट इज़। तो मेरे को फेलियर से कभी डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये ठीक है, एक काम खराब हुआ है लेकिन बाकी काम तो बचे हुए हैं,
मेरे को अच्छी तरह याद है जब मेरी रूप की रानी चोरों का राजा फ्लॉप हुई थी, उसके 9 प्रीमियर्स थे ऑल ओवर इंडिया, और धीरे धीरे पहले प्रीमियर में तो सारी कास्ट और सारे लोग थे, बाय 9th प्रीमियर सिर्फ मैं, बोनी कपूर और अनिल कपूर बच गए थे, कोई आता ही नहीं था असल में। और 9 प्रीमियर कंप्लीट भी करने थे, तो मेरे को अच्छी तरह याद है हैदराबाद में था और मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। तो उस दिन मैंने सोचा कि यार तो जिंदगी खत्म हो गई है, सारा सुसाइड कर लेता हूँ, मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मैंने दारू, आई वॉज ड्रंक और कुछ इंटरव्यू लेने के लिए आया, मैंने सबको भगा दिया है ना, और दरवाज़ा बंद किया, और मैंने सोचा आज सारा कूद जा खत्म यार, पिक्चर फ्लॉप हो गई, मतलब लाइफ खत्म। पर मैं ऊपर से कूदने की सोचा तो नीचे देखा खाना लगा हुआ था नीचे लखान लगा हुआ था, मैंने कहा यार ये लोग जो बोलेंगे ये सारा सुसाइड का तो इम्पैक्ट आएगा ही नहीं इसके अंदर, लोग सोचेंगे खाने के चक्कर में पिक्चर फ्लॉप हो गई, इसका खाने का शौक अभी तक नहीं गया, और देखो आलू बैंगन में जाके गिरा सकती जो मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया, मैंने कहा नहीं रहने दो यार ये तो बहुत ही इज्जत खराब हो जाएगी, तो उसको मैंने लाइटली ले लिया, यू नो इट इज यू हैव टू गेट इंस्पायर्ड बाय फॉर योर फेलियर्स। मैंने तो जिंदगी के इतने बड़े ट्रेजिक इंसिडेंट से गुजर चुका हूँ, व्हेन आई यू नो लॉस्ट 2-year-old सन ऑफ माइन, तो मैंने बाद में सोचा, और मेरी पिक्चर उसके बाद भी नहीं चली, मैंने सोचा कि अगर मैं इस ट्रेजिडी से बाहर आ सकता हूँ तो ये फिल्मों का फ्लॉप होना, हिट होना क्या मायने रखता है असल में। आज मेरे को नियरली 40 साल हो रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, आज भी काम कर रहा हूँ, अपने आप को इनोवेट कर रहा हूँ, नई चीजें कर रहा हूँ, ए बिलियन कलर स्टोरी ऐसी पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक और पिक्चर शूट हो रही है, अलग तरह के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, यंगर जनरेशन के साथ इंटरेक्ट करता हूँ मैं। वाओ, ऑन दैट नोट सिंगापुर, मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं होने वाली, इनका खाने का प्यार और मेरा खाने का प्यार बहुत स्ट्रांग है, तो मैं उस प्यार के लिए कुछ करती हूँ। बट थैंक यू सो मच सर, आप रेडियो मस्ती आए एंड सिंगापुर में यहाँ पे जितने भी हमारे लिसनर्स है, स्पेशली द इंडियन लिसनर्स जो आपके फैंस भी है, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सिंगापुरियंस, माई इंडियन फेलोज here, you know, आप सबसे गुजारिश है कि हमारी फिल्म आएगी ये बिलियन कलर स्टोरी, बिल्कुल रिलीज होगी मार्च अप्रैल में, प्लीज आइए देखिए, और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी के लिए, हर इंडियन के लिए ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है, ये आपको हिंदुस्तानी होने पे फख्र दिलाएगी असल में। Awesome. On that note, let us sign off right now. मैं इनसे कुछ अपने टाइप की बातें करती हूँ, आप लोग गाने enjoy करिए, I will be right back only on Radio Masti 24/7 Live. कच्ची डोरियों 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 से मैंनो तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, सजा के तू है मेरी वफा, रकब ना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे दूरियां, तेनू लगा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रकब ना बना के मैं तेरे लिया यारा, ना पावी कदे जीना।
दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला राता कालियां 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 ने मेरे दिल सांवले मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने कोई ख्वाब ना पूरा बने दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अख नाल अख नू मिला के पता है मैनू You are listening to Radio Masti 24/7 live Singapore's only Hindi radio now on the go.